आप जरा समझने की कोशिश करिए कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के काम क्या क्या हैं। या तो किसी को इनाम बांटना, मेडल बांटना, ये चक्र वो चक्र, ये इनाम वो इनाम, या तो सर्टिफिकेट बांटना उन इनाम के साथ साथ, या तो कहीं उद्घाटन करना, फीता काटना, या तो कहीं से कोई विदेशी प्रतिनिधि आया उसके साथ मुलाकात करना, हाथ मिलाना बड़ा भारी काम है ये। और हाथ मिलाने के काम में क्या होता है, वो बाहर वाला प्रतिनिधि एक फाइल उनको पकड़ाता है, दूसरी फाइल वो उसके हाथ में पकड़ाते हैं, बड़ा भारी काम चलता है, पूरे दिन भर चलता है, महीनों महीनों यही काम चलता है। आप मुझे विनम्रता और ईमानदारी से जरा ये बताइए कि कौन सा शारीरिक श्रम हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, कौन सा पूंजी के निर्माण का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। माने जिस व्यक्ति के पास करने के लिए सबसे कम काम है उसी को तनख्वाह सबसे ज्यादा मिलेगी, और जो आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करता है, गांव में खेती करता, किसानी करता, वो इस साल भूखे मर रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की हालत है। मेरे दिल की तकलीफ ये है कि जिस व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है उसी को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी।